हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, तो बहुत दिन से इस वीडियो में डिले हो रहा था, तो पहले तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है इस शब्द से ही, एस्ट्रल ट्रैवल में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, या हम कहेंगे कि हमारी आत्मा, हमारे शरीर से निकलकर बाहर ट्रैवल करती है। लेकिन ये हमारी अपनी इच्छा से होता है और ट्रैवल करके वापस शरीर में आती है। ये जो बात मैं इतनी आसानी से कह दे रही हूँ, ये इतना आसान होता नहीं है। जैसे पहले के जो हमारे ऋषि मुनि लोग होते थे, तो जब वो कठोर साधना करते थे तो तब ऐसा हो पाता था कि वो ध्यान करते थे, और ध्यान करते करते उनकी आत्मा से, उनके शरीर से आत्मा निकलती थी, अनंत ब्रह्मांड में टहल के आती थी। वो जो कोई भी खोज आज हमारे जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो पहले से ही खोजा जा चुका है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, वो एस्ट्रल ट्रैवल की ही विधि से। दूर दूर तक हमारे ऋषि मुनि एस्ट्रल ट्रैवल करते थे और वापस उनकी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करती थी। इस प्रकार से आज भी इस युग में लोग कठोर साधना करके इस प्रक्रिया को करते हैं। हाँ, उतनी उस लेवल पे अब नहीं होती जो पहले से पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब हमारी इतनी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं है। हम लोग अभी तक 5D तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, उसके अलावा 10D 12D तक जाना, तो मतलब उस लेवल तक हमारी अर्थ की अभी इतनी फ्रिक्वेंसी, वो मैट्रिक्स ही नहीं आई है। जो नई मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, खैर, तो अपने शरीर से, आपके शरीर से जब आत्मा निकलती है बाहर, वो ट्रैवल करती है, और ये आप ही की इच्छा से होता है, इस साधना को एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मैं इस साधना के बारे में, मैं प्रशिक्षित नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी इसके बारे में। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये साधना बिना सीखे नहीं की जाती है। अब इसका कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे है? ट्विन फ्लेम जर्नी से ऐसे है कि जो ट्विन्स होते हैं उनको इस साधना की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम लोग बेसिकली ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इस साधना को जानते हैं, पर किस फॉर्म में? जब हम लोग अपने चक्रास को बैलेंस करके, जब हम लोग अपनी थर्ड आई ओपन कर लेते हैं, या ये कहो कि हम लोग जब 3D से 4D 5D में पहुँचते हैं, तब ट्विन्स अपने काउंटर पार्ट से 4D में 5D में मिलते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बात होती है। एस्ट्रल ट्रैवल ऑटोमेटिकली एस्ट्रल ट्रैवल होता है 4D 5D में, 5D में तो होता ही है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। तो 5D में ट्विन्स आपस में मिलते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो हम लोग 3D पे नहीं कर सकते हैं। 3D में भले ही हम लोग बहुत दूर हों, हम लोग सेपरेशन फेज में हों, हम लोग एक दूसरे, हम लोग नहीं जानते कि हमारा काउंटर पार्ट कहाँ है, क्या कर रहा है, पर 5D में हमारी सारी बातें वैसे ही होती हैं जैसे कि नॉर्मली 3D में होती हैं। हम जो सवाल करते हैं वो जवाब वहाँ से मिलते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो महसूस कर लेते हैं, वो जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ये हम महसूस कर लेते हैं। ये एस्ट्रल ट्रैवल में होता है, ये टेलीपैथी में होता है, और इसको मैंने खुद महसूस किया है। तो ट्विन फ्लेम में तो एस्ट्रल ट्रैवल ऐसे होता है। नॉर्मली अगर हम लोग सेफ साइड में एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप अगर सुबह की 3:30 बजे के आसपास अगर उठकर ध्यान करते हैं, ध्यान का बेस्ट टाइम होता है 3:30 से 4 के बीच का, तो उस टाइम पे अगर आप ध्यान करते हैं और आप अच्छे से मेडिटेशन करके अगर फिर से आप सोते हैं, तो यू कैन एक्सपीरियंस दिस एस्ट्रल ट्रैवल। एक नॉर्मल इंसान भी सेफ साइड पे एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सकता है बिना साधना के भी,
क्योंकि हम लोग एक मेडिटेशन करके अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के और अपने आप को एकाग्र करके यूनिवर्स से जब हमारा मिलन होता है, उसके बाद जब हम सोते भी हैं तो हम एस्ट्रल ट्रेवल को सपनों में फील कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट में मैंने एस्ट्रल ट्रेवल पे आपको वीडियो बनाया है। हमारे सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है कि उनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पर मैं माफ़ी चाहूँगी कि ज़्यादा डिटेल जानकारी फॉर द नॉर्मल पर्सन मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने नॉर्मली इस प्रकार से मैं खुद भी शिक्षित नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज ट्विन सोल्स को ये ऑटोमेटिकली ये प्राप्त होता है एस्ट्रल ट्रेवल, जब वो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में 4D से 5D में लेके आते हैं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, एक टिप ऑफ द डे ज़रूर देना चाहूँगी मैं अपनी सारी ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ इस वक्त, या कह लीजिए कि एक चैनल मैसेज है कि इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन बहुत पेन से गुजर रही हैं, जो मुझे इस वक्त फील हो रहा है। इस वीडियो के थ्रू एक चैनल मैसेज भी हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत पेन से गुजर रही हैं इस वक्त। तो मैं उनको एक टिप देना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए। देखिए, आप यूनिवर्स आपको नहीं छोड़ेगा इस जर्नी से, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप अगर दर्द के कारण इस जर्नी को छोड़ना चाहती हैं, तो यूनिवर्स तो आपको जाने नहीं देगा। तो चिंता मत करिए, यूनिवर्स आपके DM को भी नहीं जाने देगा। निश्चिंत होके इस जर्नी में को एंजॉय करिए, एंजॉय दिस हार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। हम लोगों ने बहुत पेनफुल एंड हार्ड बोला है, बट यू कैन एंजॉय जब आपको यूनिवर्स पे फेथ हो, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। यूनिवर्स कभी भी धोखा नहीं देता, वो कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को पेन होता रहेगा और डिवाइन मस्कुलिन आराम से घूमता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर इस जर्नी से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो इस जर्नी से आपका डिवाइन मस्कुलिन भी नहीं निकल सकता। मत चिंता करिए, आराम से रहिए, जब उसकी अवेकनिंग होगी वो आएगा, अपना बेस्ट वर्जन बन के आएगा। तब तक आप अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाइए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट दोस्तों।